एनएसकेआई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में विजिटिंग कार्ड का ये डिज़ाइन आसानी से कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू, सेंस यूनिट टू इंचेस, रिजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच। नाउ एंटर वाइड वैल्यू 3.5, हाइट वैल्यू 2, कंटेंट्स वाइट, मोड आरजीबी कलर, ओके। गो टू व्यू मेनू, क्लिक ऑन रूलर्स। रूलर्स यूनिट बाय डिफॉल्ट इंचेस में है, इसे मिलीमीटर्स में चेंज करना है। सो राइट क्लिक ऑन रूलर्स, सिलेक्ट मिलीमीटर्स, ओके। अभी गाइडलाइन क्रिएट करना है, तो वर्टिकल गाइडलाइंस क्रिएट करने के लिए वर्टिकल रूलर में क्लिक करके क्लिक को उसी जगह छोड़ेंगे जहां आपको गाइडलाइन प्लेस करना है। सो फर्स्ट गाइडलाइन प्लेस एट 40 mm फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सेकंड गाइडलाइन प्लेस एट 30 mm, 10 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन प्लेस एट 10 mm, 20 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड गाइडलाइन। नेक्स्ट क्रिएट हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस। फर्स्ट गाइडलाइन प्लेस एट 10 mm फ्रॉम द टॉप। सेकंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन प्लेस एट 30 mm, 20 mm डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन प्लेस एट 42 mm, 12 mm डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। अगेन क्रिएट थ्री वर्टिकल गाइडलाइंस। फर्स्ट वन प्लेस एट 38 mm एंड अदर टू 5 mm डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पेन टूल में क्लिक करना है और 40 mm के नीचे यहाँ फर्स्ट क्लिक करना है। सेकंड क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्लिक 30 mm गाइडलाइन का ऊपर वाला हिस्से में करना है और क्लिक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है ताकि कर्व बन जाए। इसके बाद ही सेकंड क्लिक को छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट पॉइंट टूल को सिलेक्ट करना है। अब कन्वर्ट पॉइंट टूल के जरिए कर्व को अपना जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ। जब हो जाएगा तब फिर से पेन टूल लेना है और पेन टूल से थर्ड क्लिक 10 mm गाइडलाइन के ऊपर वाला हिस्से में करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन टूल से फोर्थ क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर करके थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है और जब तक सही कर्व बन ना जाए तब तक क्लिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेस कंट्रोल एंटर ऑन कीबोर्ड फॉर सिलेक्शन। नेक्स्ट गो टू लेयर मेनू, न्यू एंड क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी। सिलेक्शन न्यू लेयर, लेयर वन में कॉपी हो गया। आप बैकग्राउंड को इनविजिबल करके देख सकते हैं। बैकग्राउंड और लेयर वन दोनों का कलर सेम है व्हाइट में, इसीलिए दोनों विजिबल होने से फर्क दिखाई नहीं देता। अब लेयर वन का कलर चेंज कर देते हैं, बाद में अपना जरूरत के हिसाब से इस लेयर का कलर एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगेन क्लिक ऑन पेन टूल, सिलेक्ट बैकग्राउंड और पहला क्लिक 38 mm गाइडलाइन के नीचे वाला हिस्से में करना है। सेकंड क्लिक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सेकंड क्लिक में पहला जैसा थोड़ा कर्व बनाना है। कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर्व को एडजस्ट करना है अपना जरूरत के हिसाब से। अगेन पेन टूल लेना है और वीडियो में जैसे दिखा रहा हूं ऐसे आगे क्लिक करना है। लास्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर करना है, ओके। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर ऑन कीबोर्ड। गो टू लेयर मेनू, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी। तो सेकंड लेयर क्रिएट हो गया, इसे अलग कलर दे देते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ कर्व बनाना है। सिलेक्ट बैकग्राउंड, वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे चौथा कर्व को बनाना है। कंट्रोल एंटर, लेयर न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी। थर्ड लेयर क्रिएट हो गया, इसे अलग कलर देना है।
ओके, अगेन पेन टूल में क्लिक करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे फिफ्थ कर्व बनाना है। प्रेस कंट्रोल एंटर, गो टू लेयर मेनू, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, तो फोर्थ लेयर क्रिएट हो गया। इसे अलग कलर दे देते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन पेन टूल, सिलेक्ट बैकग्राउंड एंड क्लिक फ्रॉम हियर। इस बार कर्व नहीं बनाना है, सो क्लिक करते जाइए, लास्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर, ओके, प्रेस कंट्रोल एंटर, गो टू लेयर, न्यू, क्लिक ऑन लेयर वाया कॉपी, फिफ्थ लेयर क्रिएट हो गया। इसे भी अलग कलर दे देते हैं। ओके, तो जितना लेयर हमें चाहिए सारे क्रिएट हो गया। नाउ क्लिक ऑन मूव टूल, राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन लेयर वन टू सिलेक्ट द लेयर। नाउ राइट क्लिक ऑन लेयर वन, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक हियर फॉर ग्रेडियंट एडिटर, क्लिक हियर टू चेंज कलर, सिलेक्ट कलर डार्क ब्लू, चेंज सेकंड कलर टू लाइट ब्लू, फर्स्ट कलर और थोड़ा डार्क ब्लू करना है। ओके, ओके, फर्स्ट लेयर के लिए एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ओके, अगेन सिलेक्ट लेयर टू, हियर राइट क्लिक ऑन लेयर टू, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक फॉर ग्रेडियंट एडिटर एंड चेंज द कलर्स। वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, टिक द रिवर्स ऑप्शन एंड चेंज द एंगल टू 100 डिग्री। ओके, नाउ सिलेक्ट लेयर थ्री, चेंज द कलर्स, ओके, एंटर एंगल वैल्यू 120 डिग्री। ओके, सिलेक्ट लेयर फोर एंड चेंज द कलर्स, एंटर एंगल वैल्यू 130, टिक ऑन रिवर्स ऑप्शन। ओके, सिलेक्ट लेयर 5, हियर राइट क्लिक ऑन लेयर 5, क्लिक ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन ग्रेडियंट ओवरले, क्लिक फॉर ग्रेडियंट एडिटर्स एंड चेंज द कलर्स। एंटर एंगल वैल्यू 150। ओके, नेक्स्ट गो टू व्यू मेनू, क्लिक ऑन क्लियर गाइड्स। अभी आगे का डिजाइन करने के लिए दो और गाइडलाइन लेना है। पहला गाइडलाइन ऊपर से 5 mm नीचे प्लेस करना है, सेकंड गाइडलाइन 15 mm या तो 17 mm में प्लेस कर सकते हैं। मैं 17 mm में प्लेस कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल में क्लिक करना है और वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे एरिया सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट न्यू लेयर क्रिएट करना है। ओके, अभी कलर सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट पेंट बकेट टूल से सिलेक्टेड एरिया में कलर देना है। ओके, नेक्स्ट गो टू सिलेक्ट मेनू एंड क्लिक ऑन डिसलेक्ट। ओके, अभी लेयर वन का ओपेसिटी 50% करना है। ओके, नाउ क्लिक ऑन पेन टूल,
यहाँ फर्स्ट क्लिक करना है, सेकंड क्लिक में थोड़ा कर्व बनाना है, राइट क्लिक ऑन पेन टूल एंड सिलेक्ट कन्वर्ट पॉइंट टूल। अभी कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर्व को थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं जैसे वीडियो में दिखाया। ठीक है, अगेन राइट क्लिक हियर एंड टेक पेन टूल। अभी पेन टूल से आगे क्लिक करना है, लास्ट क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, ओके, प्रेस कंट्रोल एंटर। अभी ये वाला हिस्सा डिलीट करना है तो गो टू एडिट मेनू, क्लिक ऑन कट, ओके। अभी लेयर वन का ओपेसिटी फिर से 100% कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लिक ऑन मूव टूल, गो टू एडिट, क्लिक ऑन फ्री ट्रांसफॉर्म। अभी लेफ्ट साइड में लेयर को थोड़ा एक्सटेंड करना है अपना जरूरत के हिसाब से, ओके, प्रेस एंटर। नेक्स्ट क्लिक ऑन पेन टूल, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके, क्रिएट ए न्यू लेयर, लेयर टू, नाउ क्लिक फ्रॉम हियर, सेकंड क्लिक बैकग्राउंड कर्व के ऊपर करना है, थर्ड क्लिक में थोड़ा कर्व बनाना है ताकि सिलेक्शन बैकग्राउंड कर्व के साथ एडजस्ट हो जाए। आप चाहे तो कन्वर्ट पॉइंट टूल का भी हेल्प ले सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन पेन टूल एंड क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर, सिलेक्ट कलर। अभी पेन बकेट टूल से कलर डालना है, क्लिक ऑन डिसलेक्ट, गो टू व्यू, क्लिक ऑन क्लियर गाइड्स, ओके। तो विजिटिंग कार्ड का बैकग्राउंड डिजाइन रेडी है, जस्ट एड टेक्स्ट एंड लोगोस टू कंप्लीट द कार्ड डिजाइन। आप चाहे तो इस डिजाइन का PSD फाइल भी डाउनलोड करके टेक्स्ट एंड लोगोस एडिट कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इसके आए।